हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रकाश पाटीदार स्वागत करता हूं आप सबका फिर से एक बार कल्याणी जूनियर्स के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। बच्चों, एक्सरसाइज 9.1 में हम रैशनल नंबर से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जिसका बेसिक हम अलग सेपरेट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। उम्मीद है वो वीडियो आपने ज़रूर विजिट किया होगा, नहीं विजिट किया है तो एक बार उसे ज़रूर देखें, क्योंकि सारा बेसिक उसके अंदर है कि क्वेश्चन हमें किस तरीके से सॉल्व करने हैं, क्या क्या बेसिक प्रॉपर्टीज हम उसके अंदर यूज़ करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखेंगे सबसे पहले एक्सरसाइज 9.1 के लिए क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, लिस्ट 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन -1 and 0। ठीक है बच्चों, हमें क्या करना है, हमें 5 रैशनल नंबर्स बताने हैं, लिस्ट बनानी है या बताने हैं। कहने का मतलब ये है कि 5 रैशनल नंबर्स बताने हैं -1 और 0 के बीच में। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं एक बार और आपको बता देता हूँ कि बच्चों, जब भी कोई दो रैशनल नंबर की आप बात करोगे तो उनके बीच में क्या होगा, उनके बिटवीन में, बीच में इन्फाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर होंगे। बच्चों, इन्फाइनाइट रैशनल नंबर सिचुएटेड होंगे इन दोनों के बीच में। ठीक है बच्चों, तो हो सकता है कि आंसर क्या हो, डिफर हो। ठीक है, आप जब सॉल्व करते हैं तो आंसर कुछ अलग आ जाए, है ना। आपके टीचर सॉल्व कराते हैं कोई क्लास में तो आंसर क्या हो सकता है, डिफर हो सकता है, लेकिन वो आंसर भी सही होगा और आप जो आंसर लाएंगे वो भी सही होगा और जो मैं आंसर लाऊंगा वो भी यहाँ पर सही होगा। ऐसा नहीं है कि आंसर आप कुछ और ले आए तो वही 5 नंबर जो हैं वो क्या करते हैं, लाई करते हैं बिटवीन दोज नंबर्स, है ना। -1, -2 और -1 की बात अगर करेंगे तो इनके बीच में कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि 2 नंबर 4 नंबर 5 नंबर ही हैं। तो मैंने निकाला तो कुछ अलग आया, किसी और ने निकाला तो कुछ अलग आया, क्योंकि इसके जो है ना, मैं बच्चों, मेथड सेपरेट अलग अलग हैं, अलग अलग मेथड से हम क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। समझ में आ गई बात, चलो नहीं आई हो तो भी कोई बात नहीं। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें क्या करना है बच्चों, हमें फाइंड करना है रैशनल नंबर्स, है ना, -1 and 0। ठीक है, -1 and 0 के बीच में क्या कहा है बच्चों, 5 रैशनल नंबर फाइंड कीजिए। ठीक है, 5 रैशनल नंबर फाइंड कीजिए, तो हम क्या करते हैं बच्चों, हम करते हैं -1 को इक्वल लिखते हैं बच्चों, -1 को हम इक्वल लिखते हैं, क्या लिखते हैं, -1। देखिए -1 एज इट इज़ लिख लिया है, 0 एज इट इज़ हम लिख चुके हैं। ठीक है बच्चों, जिन दो नंबर के बीच में हमें रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं उन दोनों को हम लिख कर देखिए। अब यहाँ अगर देखते हैं बच्चों तो -1/1 हम लिख सकते हैं इसको, हम इसको क्या लिख सकते हैं, -1/1। 1 किसी के भी अपॉन में आ सकता है बच्चों, 1 किसी के भी अपॉन में आ सकता है, और यहाँ 0 के अपॉन में हम 1 लिख देंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे ये होगा बच्चों कि देखिए, जब हमारे पास -1/1 है, हम क्या करते हैं 10 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है बच्चों, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसा क्यों कर सकते हैं, इससे जो आंसर आएगा वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा, इक्वलेंट फ्रैक्शन होगा, मतलब कि इन दोनों फ्रैक्शंस की वैल्यू सेम होगी बच्चों। ठीक है, जिसको हमने बेसिक में बहुत अच्छे से पढ़ा है, है ना बच्चों, यहाँ आ जाएगा -10/10। बात समझ में आ रही है, सेम नंबर का मल्टीप्लाई दोनों नंबर में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, सेम नंबर का, तो यहाँ पर भी हमें इसको करना पड़ेगा बच्चों, ये ऑपरेशन जो है दोनों ही में लगाना पड़ेगा। ठीक है, मतलब कहने का 0/1 जो फ्रैक्शन है ना बच्चों, उसमें भी हमें 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये 0/10 हो जाएगा। समझ में आ रही बात आपको कि नहीं आ रही है, देखो ये -1/1 था, इसमें 10 से डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हमने कर दिया, 0 में भी ऐसा ही कर दिया, 0/1 में भी ऐसा ही करा, तो हमें क्या मिल गया, -10/10 और 0/10। अब देखिए क्या हो रहा है, जैसे सपोज करो कि ये कोई नंबर, हमारी नंबर लाइन है, ये हमारी क्या है, नंबर लाइन, और ये 0 है और यहाँ पर है -1, है ना बच्चों। नेगेटिव कहाँ होता है, हमारे लेफ्ट साइड में होता है नेगेटिव, राइट साइड में होता है पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, तो ये जो 0 और ये जो 1 आपको दे रखा है, 0 और -1, इसके बीच में हमें क्या बताने थे, 5 रैशनल नंबर्स बताने थे। ठीक है, हमने क्या किया,
हमने इसका डिनोमिनेटर 10 बना दिया दोनों ही फ्रैक्शंस का। अब देखिए जब ये आपके पास हो गया है, अब जब आपके पास ये दो नंबर आ गए हैं, तो अब कोई भी हम 6 नंबर लिख सकते हैं। सो 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन -1 and 0 इज आर, लिखेंगे ना आर, क्योंकि ये तो क्या होगा, देखो बच्चों अब -9/10 लिख देंगे। ठीक है, देखिए 0 से स्टार्ट करके -10 तक जाना है, 0 से स्टार्ट करके -10 तक जाना है, हमें सिर्फ 5 चाहिए, आप 5 से ज़्यादा भी ले सकते हो। -9/10 होगा, -8/10 होगा, -7/10 होगा। ठीक है, अब उधर से ले लेते हैं बच्चों, किधर से, इसके पास से, तो -1/10 ले सकते हैं, है ना बच्चों, और -2/10 भी ले सकते हैं। ठीक है, आप चाहें और भी कोई नंबर 6/10 भी लिख सकते हैं, 5/10 लिख सकते हैं, वो भी जो है बच्चों करेक्ट आंसर होगा, है ना, करेक्ट होगा, है ना। कहने का मतलब ये है कि किन्हीं भी दो रैशनल नंबर के बीच में इन्फाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स लाई करते हैं, होते हैं। ठीक है, उनमें से कोई भी हमें 5 फाइंड करने थे, वो हम ये इस मेथड से कर चुके। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ हम लेते हैं, हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 है -2 and -1। ठीक है बच्चों, -2 and -1 सिमिलर तरीका जो अभी हमने किया था, 5 रैशनल नंबर बताने हैं, -2/1 लिख देंगे हम बच्चों, -2/1 लिख देंगे और -1/1 लिख देंगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या करते हैं बच्चों, देखिए वही मल्टीप्लीकेशन का हमारा सबसे आसान तरीका 10 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो जो फ्रैक्शन आएगी आपकी वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगी बच्चों, -2/20/10, है ना, ये जो -2/10 लिखा है ना, इसी के इक्वल फ्रैक्शन है बच्चों, -2/10 इक्वल है, इक्वल। ठीक है, और ये -10/10 देखिए -20 और -10 के बीच में तो आराम से आप लिख सकते हैं ना, देखो ये देखना है आपको, क्या डिनोमिनेटर देखना है, डिनोमिनेटर अगर इक्वल हो गया तो फिर ऊपर वाले को क्या करना है, सिर्फ आपको कंपेयर करना है, बीच में कौन दिख रहा है उसको लिख दीजिए। सो 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन -2 and -1 आर, देखो -11/10 लिखेंगे बच्चों, -11/10, -12/10, -13/10 और इसके बाद में इसके पास किसके 20 के पास वाला लिख देंगे बच्चों, -18/10 एंड -19/10। ठीक है, ये हो गए 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन -2 and -1। ठीक है, ठीक है बच्चों, समझ में आपको आ चुका होगा, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, लिस्ट 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन। अब देखिए अब थोड़ा सा टिपिकल आ गया है मामला, अभी तो अब हमारे पास क्या था, कुछ भी डिनोमिनेटर में कोई नंबर नहीं गिवन था, अब डिनोमिनेटर भी आ चुका है यहाँ पर, अब ये रैशनल नंबर परफेक्टली हमें दिया गया है। ठीक है, देखिए अब क्या करेंगे हम, 4/5 and -2/3। देखो बच्चों घबराना नहीं है कि डिनोमिनेटर कुछ आ गया तो अब क्या करें, ठीक है, करना तो सेम वही है, ऑपरेशन तो वही होगा, कौन सा ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन ये होगा कि डिनोमिनेटर को सेम बनाना है, सबसे पहले तो डिनोमिनेटर को सेम बनाइए, तो हम यहाँ लिखेंगे, कहाँ लिखेंगे बच्चों, क्या लिखेंगे, LCM ऑफ 5 and 3 इज 15। सबसे पहले क्या करोगे, इन दोनों का LCM निकालोगे, LCM निकालना आपको आता है ना बच्चों, देखो 5 और 3 को रखूंगा तो 3 1 is 3 हो जाएगा और 5 1 is 5, कोई कॉमन नंबर नहीं है, तो दोनों का क्या होगा, इसके अंदर मल्टीप्लाई ही होना है, 15 आएगा, 15 क्या आ रहा है, LCM आ रहा है। तो सबसे पहला टास्क तो ये है कि ऐसी फ्रैक्शन बनाइए जिसका क्या हो, जिसका डिनोमिनेटर कितना हो बच्चों, 15 हो। तो -4/5 में किसका मल्टीप्लाई करो कि 15 बन जाए, 3 का, तो 4 में भी 3 का मल्टीप्लाई करना है, तो आंसर -12/15 आ जाएगा।
यहाँ बताइए यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर 3 में मुझे 5 का मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ आ जाएगा बच्चों 10/15। समझ नहीं आया सर क्या किया, बहुत जल्दी कर दिया आपने कुछ भी। ठीक है, सबसे पहले तो एलसीएम निकाला, एलसीएम निकाल लिया, कितना आ रहा है 15। मतलब कहने का कि ये जो आपके पास 4/-4/5 फ्रैक्शन है, इसका डिनोमिनेटर बनाइए 15। तो 15 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, 5 में 3 का। तो 5 में 3 का करोगे तो 4 में भी 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। ठीक है, तो इससे क्या आ जाएगा, ये 12/15 आ जाएगा। फिर यहाँ पर आपको 3 दिख रहा है, 3 में 5 का मल्टीप्लाई करने से 15 बनेगा, तो 2 में भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा बच्चों -10/15 और -12/15। अब लिख लीजिए 5 रेशनल नंबर कहाँ से लिख लीजिए, एक ही तो दिख रहा है, -12, -11 और -10, एक ही नंबर आ रहा है सर। अब क्या करें, अब ये करेंगे बच्चों, देखो अब इसी को -12/15 को थोड़ा और सिंप्लीफाई अगर हम करें तो बच्चों क्या करते हैं हम, इसके अंदर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, इसके अंदर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं बच्चों 3 से कर देते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। देखिए 12 3 को कितना होता है 36 और ये होता है 45, है ना, 36 हो जाएगा। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की ही बात कर रहे हैं हम। अब -10/15 इसमें भी मुझे किस क्या करना है बच्चों, मल्टीप्लाई करना है 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा, देखिए -30/45। ठीक है, आ गया डिनोमिनेटर, सेम आ गया डिनोमिनेटर। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम आने के बाद क्या करेंगे, अब लिख लीजिए बीच में, अब तो दिख रहे हैं ना आपको, अब दिख रहे हैं एग्जैक्ट 5 रैशनल नंबर्स। नाउ रैशनल, यहां पर लिख देंगे 5 रैशनल नंबर्स आर, है ना। देखो कहाँ से स्टार्ट करोगे, 30 से स्टार्ट हो रहा है तो 31 लिख दीजिए, 31/45। ठीक है, 32/45, 33/45, 45, कितना होगा यहाँ पर, और ये 35 -35/45। ठीक है, हो गए 1, 2, 3, 4 and 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन -4/5 and -2/3। ठीक है, हो गया आपका क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा टिपिकल नहीं है, बस थोड़ा ध्यान से समझने की ज़रूरत है बच्चों, समझने की ज़रूरत है। 1/2 and 2/3 क्या करोगे, वही वापस से 2 और 3 का LCM, LCM of 2 and 3 is 6, है ना। कैसे, ये देखिए, ये 2, ये 3, 2 1 is 2, 3 1 is 3, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 2 × 3 = 6। ठीक है बच्चों, क्या करना है, ये जो नंबर आपको दिख रहा है इसको बदल लीजिए, किस में बदल लीजिए, 6 में, 1/2 = 1/2 × 3 × 3, है ना भाई, 2 को 6 में बदलना है तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 3/6। ठीक है, और 2/3 को अगर मुझे बदलना है 6 में तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 × 2 = 6 और 2 × 2 = 4 हो जाएगा। अब देखिए ज़रा, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ तो कोई नंबर दिख ही नहीं रहा हमें, ठीक है, कोई नंबर नहीं दिख रहा, तो क्या करेंगे, देखिए ज़रा, 6 × 5 = 30 होता है, 6 × 5 = 30 होता है ना बच्चों, 30, तो यहाँ हो जाएगा 15 और 5 × 4 = 20, 15 20 में भी नहीं हो रहा है, अगर 7 × 3 = 21 करें, ठीक है। देखिए अब क्या करते हैं हम, इस 3/6 में मल्टीप्लाई कर देते हैं बच्चों 7 से, ठीक है, किससे मल्टीप्लाई करते हैं 7 से, तो ये हो जाएगा 21/42। ठीक है, कितना हो जाएगा 21/42, और जो 4/6 हमारे पास है उसमें भी 7 से मल्टीप्लाई करने से 28/42 आ जाएगा। अब आपके पास देखिए यहाँ पर दो फ्रैक्शंस हैं जिसके डिनोमिनेटर कितने हैं, 42 42 इक्वल हैं, एक जैसे हैं, एक है 21
128 न्यूमरेटर, तो हम लिख सकते हैं सो 5 रैशनल नंबर्स विल बी, क्या क्या लिखेंगे बच्चों, 22 से स्टार्ट कीजिए, 22/42, फिर 23/42, फिर 24/42, फिर आ जाएगा 25/42, और द लास्ट है बच्चों 26/42 हो जाएगा। एक नंबर और अभी दिख रहा है 27/42 भी आप लिख सकते हैं, तो 6 नंबर हो जाएंगे आपके पास। ठीक है बच्चों, कुछ इस तरीके से हमें क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है, आगे से आगे क्या करना है, बढ़ते हुए जाना है। ठीक है, बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। राइट 4 मोर रैशनल नंबर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न्स, कुछ पैटर्न दिया है, उस पैटर्न को फॉलो करो और आगे के आने वाले क्या 4 रैशनल नंबर और लिखो। ठीक है, देखो क्या हो रहा है, हमें सबसे पहले तो इनके अंदर क्या देखना है, रिलेशन देखना है बच्चों की, क्या रिलेशन बन रहा है एक दूसरे के अंदर, है ना। देखो यहां पर आप देखोगे तो 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है सारी, क्या है बच्चों, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। 3 2 कितना हो जाता है 6, और 5 2 हो जाता है 10, माइनस का माइनस, मतलब 2 का मल्टीप्लाई करने से -6/10 आ गया। अगर आप बात करेंगे, है ना बच्चों, किसकी आप बात करेंगे, -9/15 की, तो क्या किया है 3/3 से, है ना, 3/3 से मल्टीप्लाई किया है, तो ये आंसर आ गया। अच्छा अब बताइए ज़रा, 3/5 बन गया है -12/20, तो कैसे बन गया ये 4 का मल्टीप्लाई करने से, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 4 का मल्टीप्लाई करने से बन गया है -12/20। आगे के 4 नंबर और चाहिए, तो बच्चों क्या करोगे, नाउ नेक्स्ट 4 नंबर्स विल बी, देखो -3/5 में 4 के बाद हम मल्टीप्लाई करते थे बच्चों 5 से, तो 5 3 हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 25। ठीक है, फिर बात करते हैं हम 6 की, तो 6 3 हो जाएगा 18 और अपॉन आ जाएगा कितना 30। ठीक है, 6 से मल्टीप्लाई करना है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, तो 7 से मल्टीप्लाई करना है, 7 3 21, है ना, और 5 7 35। नेक्स्ट 4 तो ये नंबर हो जाएंगे। नेक्स्ट 4 1 2 3 और 4 नंबर आ गए हैं जो इस पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, इसी पैटर्न के नेक्स्ट 4 नंबर ये आ गए। ठीक है, बहुत आसान है, बहुत आसान है ना। देखो अब इसको देख, चेक करो जरा -1/4 को, है ना, क्या करें कि -2/8 हो जाए, बहुत आसान है, दिख रहा है बच्चों की 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, फिर अगर बात की जाए 1/4 की, और ये कन्वर्ट हो रहा है बच्चों -3/12 में, तो क्या किया होगा 3/3 का मल्टीप्लाई। ठीक है, सेम नंबर का मल्टीप्लाई किया जा सकता है डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में, तो सो हम लिखेंगे सो नेक्स्ट 4 रैशनल नंबर्स विल बी। ठीक है, देखो -1/4 में अब मैं क्या करूँगा बच्चों, 4/4 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये -4/ हो जाएगा 16। -1/4 में नेक्स्ट नंबर मेरे पास आएगा 5। ठीक है, तो देखिए 5 -5 हो जाएगा /20। -1/4 में मुझे मल्टीप्लाई करना है बच्चों 6 से, तो ये हो जाएगा -6/24। 1 2 3 नंबर तो हो गए, और नेक्स्ट 5 से मल्टीप्लाई करने पर, सॉरी 5 कहाँ से, 7 आएगा ना, -7/28 हो जाएगा 28। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 2 कंप्लीट। ठीक है बच्चों, अच्छा 3 की बात करता हूँ मैं, ऑप्शन नंबर 3 की। ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पर, -1/6 क्या बन रहा है यहाँ पर,
टू अपॉन ट्वेल्व बन रहा है, कब बन सकता है जब इसमें टू का मल्टीप्लाई हो, तो ये हो गया। ठीक है बच्चों, अब अगर माइनस वन अपॉन सिक्स था, थ्री से मल्टीप्लाई करा तो ये हो जाएगा माइनस थ्री अपॉन एटीन। उसके बाद क्या करेंगे हम, माइनस वन अपॉन सिक्स में बच्चों फोर से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस फोर अपॉन ट्वेंटी फोर होगा। ठीक है, देखिए ये तीनों ही नंबर यही है, नेक्स्ट है ना। अच्छा अब नेक्स्ट वाला नंबर क्या आएगा बच्चों, माइनस वन अपॉन, ठीक है बच्चों, माइनस वन अपॉन सिक्स, सिक्स अपॉन सिक्स, ठीक है, माइनस सिक्स अपॉन थर्टी सिक्स। और नेक्स्ट जो है बच्चों वो हो जाएगा नंबर, माइनस एट अपॉन फोर्टी एट। ठीक है, तो ये चारों नंबर्स आप नोट कर लीजिए, ये आ रहे हैं आंसर जो इस पैटर्न को फॉलो करने के बाद आएंगे, है ना। देखो अब यहाँ पर नेक्स्ट जो है हमारा फोर्थ ऑप्शन है बच्चों, माइनस टू अपॉन थ्री कॉमा टू अपॉन माइनस थ्री। ठीक है, फिर आ जाता है हमारा, फिर आता है बच्चों फोर अपॉन माइनस सिक्स, और फिर आता है सिक्स अपॉन माइनस का नाइन। देखो बच्चों इसमें, इसके अंदर तो कोई पैटर्न है नहीं, ये तो नंबर वापस रिपीट कर दिया गया है, लेकिन देखिए टू अपॉन माइनस थ्री है ना, ठीक है। देखिए अब क्या करेंगे इसके अंदर कि हम क्या मल्टीप्लाई करें कि आंसर फोर अपॉन माइनस सिक्स हो जाए, टू अपॉन माइनस थ्री में क्या मल्टीप्लाई किया जाए कि फोर अपॉन माइनस सिक्स हो जाए, तो बच्चों हम यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे टू से, है ना। देखिए टू टू जा फोर, थ्री टू जा सिक्स हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, टू अपॉन माइनस थ्री में क्या मल्टीप्लाई करें कि आंसर आ जाए सिक्स अपॉन माइनस का नाइन, तो थ्री अपॉन थ्री का मल्टीप्लाई कर देंगे, थ्री टू जा सिक्स, थ्री थ्री जा नाइन। ठीक है, नाउ अगर नेक्स्ट की बात करेंगे बच्चों, तो टू अपॉन माइनस थ्री में मल्टीप्लाई करेंगे फोर से, देखिए तो फोर टू जा हो जाएगा एट, और ये हो जाएगा ट्वेल्व। ठीक है, फोर टू जा एट, थ्री फोर जा ट्वेल्व, टू अपॉन माइनस थ्री में मुझे मल्टीप्लाई करना है फाइव से, तो फाइव टू जा टेन, और ये हो जाएगा फिफ्टीन, माइनस का फिफ्टीन। ठीक है, टू अपॉन माइनस थ्री में अगर मल्टीप्लाई किया जाए सिक्स से, तो सिक्स टू जा हो जाएगा ट्वेल्व, और सिक्स थ्री जा हो जाएगा एटीन। ठीक है, फोर्टीन अपॉन ट्वेंटी वन माइनस, सॉरी, फोर्टीन अपॉन माइनस ट्वेंटी वन, ये आ गए बच्चों आंसर्स। ठीक है, ये नंबर्स आ गए हैं पैटर्न को फॉलो करने के बाद, है ना। आगे बढ़ते हैं, गिव फोर रैशनल नंबर्स इक्विवेलेंट ट्रू टू। देखो बच्चों इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स बताने हैं, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स बताने हैं, मतलब कि टू अपॉन सेवन अगर आपके पास है, माइनस टू अपॉन सेवन, है ना बच्चों, तो और फोर के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले तो टू से डिवाइड कर, मल्टीप्लाई कर दीजिए, सबसे पहला नंबर टू से मल्टीप्लाई करना है, किसको, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो फोर अपॉन हो जाएगा फोर्टीन, है ना, फोर अपॉन फोर्टीन हो जाएगा। ये इक्विवेलेंट है बच्चों, इक्विवेलेंट है, सेम नंबर का मल्टीप्लाई करने से जो फ्रैक्शन, जो नेक्स्ट रैशनल नंबर आता है वो इक्वल होता है, ये दोनों इक्वल है ना बच्चों, इसलिए इनका नाम क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, इक्विवेलेंट है ना बच्चों। देखिए थ्री टू जाएगा आंसर होगा सिक्स अपॉन ट्वेंटी वन। फिर आगे बढ़ते हैं, अगर तो यहाँ पर माइनस टू अपॉन सेवन में मल्टीप्लाई करेंगे फोर, और फोर से तो ये हो जाएगा एट, और ट्वेंटी एट, है ना, एट अपॉन ट्वेंटी एट। फाइव से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा टेन अपॉन थर्टी फाइव। ठीक है, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब ये इक्विवेलेंट क्यों है, मैं एक चीज़ और आपको बताता हूँ। देखो बच्चों ये इक्वेशन, सॉरी, ये जो नंबर है ये इसके इक्वल है ना, ये नंबर हमें इससे मिला है, मतलब ये फाइव इसमें क्या है बच्चों,
कॉमन है, जब मैं इसे कट कर दूंगा, कॉमन नंबर को कट कर दूंगा तो वापस 2/7 पे पहुंच जाएंगे, तो ये क्या है, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है ना, बराबर वैल्यू की है कि नहीं है। देखिए जरा 5/-3 में सबसे पहले तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 10/-6, 5/-3 3/3 है ना, 15/-3, 3 = 9, 5/3 में 4/4 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 20/ हो जाएगा 12, और 5 से मल्टीप्लाई करने पर 25/ हो जाएगा 15। ठीक है, हो गया आंसर चारों, नंबर आ गए आपके पास। 4/9 सबसे पहले तो 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 4 × 2 = 8, 9 × 2 = 18, 4/9 में 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 4 × 3 = 12, 9 × 3 = 27। ठीक है, 4/9 में अगर 4 से मल्टीप्लाई किया जाए बच्चों, है ना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो 16/36 होगा, और 4/9 में अगर 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये हो जाता है 20/45। ठीक है, ये हो गए आपके सारे के सारे ऑप्शन कंप्लीट। ठीक है बच्चा लोग, देखो, ड्रॉ अ नंबर लाइन एंड रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स ऑन इट। बहुत ध्यान से देखेंगे बच्चों, देखो सबसे पहला जो टास्क है वो है 3/4 को रिप्रेजेंट करना। ठीक है बच्चों, 3/4 को रिप्रेजेंट करना, ये नंबर लाइन होती है। क्या होती है बच्चों, ये होती है नंबर लाइन। इधर जाते हैं तो पॉजिटिव के नंबर आते हैं सारे, इधर आते हैं तो नेगेटिव नंबर आते हैं। ठीक है, देखो अब 3/4 मतलब जिसमें क्या होता है बच्चों, न्यूमरेटर छोटा होता है, छोटा नंबर होता है, तो वो क्या होती है बच्चों, वो 1 से छोटी फ्रैक्शन होती है, वो रैशनल नंबर क्या होता है, 1 से कम होता है ना। मतलब ये क्या वैल्यू होगी बच्चों, ये 1 से कम होगा, 1 से कम, समझना बात को ध्यान से, 1 से कितना, 1 से कम होगा, मतलब 0 और 1 के बीच में ही होगा, कहाँ होगा वो आपको बताना है। तो देखो ये जो आपके 0 और 1 है इसके इक्वल आपको पार्ट बनाने हैं, इक्वल पार्ट बनाने हैं, इक्वल पार्ट, कितने इक्वल पार्ट, 4, कितने 4, यहाँ से यहाँ तक के 4 इक्वल पार्ट बनाइए, है ना, ये देखिए 1, ये 2, ये 3 और ये 4 में हम वहाँ 1 पर पहुँच जाएंगे, 4 में हम पहुँच जाएंगे 1 पर, और ये जो 3 होगा हमारा थर्ड नंबर, ये 3/4 होगा। क्या होगा बच्चों, 3/4, बात समझ में आ गई आपको, ये 3/4 है, आसान है। क्या किया, नंबर लाइन ड्रॉ किया, 0 और 1 के बीच में हमने इक्वल लाइंस ड्रॉ की हैं, इक्वल पार्ट बनाए हैं, 1, 2, 3 और 4 में हम 1 पे पहुंच गए, है ना, 1 पे क्यों पहुंच गए, क्योंकि 4/4 1 होता है बच्चों, 4/4 क्या होता है, 1। ठीक है, इस तरीके से। अच्छा अब बताइए 5/8 बताना है हमें, हमें बताना है ये 0 है हमारा। अब थोड़ा मैं क्या करता हूँ, थोड़ा ज़्यादा स्पेस ले लेता हूँ। देखो -5/8 बताने के लिए हमें नेगेटिव की साइड में आना है ना, कहाँ आना है, नेगेटिव साइड में। अब क्योंकि ये भी क्या है बच्चों, ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है, मतलब इसकी वैल्यू भी कितनी होगी, 1 से कम होगी, है ना, न्यूमरेटर कम है बच्चों, इसमें न्यूमरेटर क्या है, कम है, डिनोमिनेटर ज़्यादा है। अब कितने पार्ट बनाने हैं हमें, 0 और 1 के कितने इक्वल पार्ट बनाने हैं, 8, ध्यान रखना बच्चों, 8। तो यहाँ से स्टार्ट कीजिए, 1, यहाँ से 2, यहाँ से 3, 4, 5, 6, 7 और 8 में कहाँ पहुँच जाओगे, 1 पर, 8/8 कितना होता है, 1। तो देखो ये 1/8 होगा, ये 2/8 होगा, ये 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8, तो 7 नहीं चाहिए था हमें, तो 5 चाहिए था, तो फिर से गिनता हूँ, 1, 2, 3, 4 और ये 5, समझ में आ रही बात, कितना है ये 5/8, क्योंकि माइनस की साइड में इसलिए -5/8 है। ठीक है, अगर उधर होता तो प्लस का 5/8 होता, समझ में आ गई बात, आसान है, कर लेंगे। देखो फिर आगे बढ़ते हैं, -7/4, देखो जो थोड़ा सा लॉजिक यहाँ लगाना पड़ेगा, क्या है यहाँ पर, न्यूमरेटर बड़ा है, बड़ा है तो डिवाइड करोगे
सेवन में फोर से डिवाइड करो, फोर वन इज फोर, बचेगा कितना थ्री। मतलब ये क्या है बच्चों, ये है माइनस वन इज टू थ्री बाय फोर है, ये क्या है माइनस वन इज टू थ्री बाय फोर है। तो मैं क्या करूँगा, लाइन ड्रॉ करूँगा, है ना, ये हो गया ज़ीरो, आगे इधर माइनस वन, इधर आ गए तो माइनस टू, डैश 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 नेगेटिव नंबर है, ये सारे कितना है पॉजिटिव नंबर है, ये वन ये टू, चाहिए नहीं लेकिन ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है। अब वन इज टू थ्री बाय फोर के लिए क्या करना है बच्चों, माइनस वन तो कंप्लीट आपका ये है ही सही, वन और टू के बीच में क्या होगा, थ्री अपॉन फोर होगा, थ्री अपॉन फोर, वही थ्री अपॉन फोर अभी जस्ट कर चुके हम, क्या करना है वन टू थ्री और फोर में अपन टू के ऊपर पहुंच जाएंगे, तो ये जो नंबर है बच्चों ये थ्री अपॉन फोर होगा और वन के बाद में है, इसलिए माइनस वन इज टू थ्री बाय फोर हो जाएगा, ठीक है बच्चों, समझ में आ गई बात, बढ़ूँ आगे, ठीक है। सेवन अपॉन एट, देखिए सेवन अपॉन एट, नेक्स्ट सेवन जो है छोटा नंबर है, सेवन क्या है छोटा नंबर है, तो कुछ करना नहीं है हमें, क्या करना है बच्चों, ज़ीरो लिखेंगे यहाँ और वन लिखेंगे यहाँ पर, ज़ीरो और वन के क्या करोगे आप, कितने पार्ट बनाओगे, इक्वल एट पार्ट बनाओगे, एट है ना, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, और एट में कहाँ पहुँच जाओगे, वन के ऊपर पहुँच जाओगे, एट में कहाँ पहुँच जाओगे, वन के ऊपर, पॉजिटिव साइड में जो लाइन नंबर सेवन आपकी होगी वो होगी सेवन अपॉन एट, क्या हो जाएगी सेवन अपॉन एट हो जाएगी, ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई होगी उम्मीद आपको। बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखिएगा, द पॉइंट्स पी क्यू आर एस टी यू ए एंड बी ऑन द नंबर लाइन आर सच दैट टी आर इक्वल आर एस इक्वल एस यू एंड ए पी पी क्यू क्यू बी इक्वल है, नेम द रैशनल नंबर्स रिप्रेजेंटेड बाय पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस कहाँ पर दिख रहा है देखो ये P दिख रहा है आपको, ये Q दिख रहा है, ये R दिख रहा है और S दिख रहा है, दिख रहा है, अभी हमने कुछ नंबर्स को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट किया था, ठीक है। अब कुछ नंबर आपको यहाँ पर दिए हैं, कुछ पॉइंट्स दिए हैं, उनको बताना है कि वो पॉइंट क्या है। सबसे पहला पॉइंट हम P की बात करते हैं बच्चों, तो ध्यान से देखिए P जो होगा बच्चों वो क्या नंबर हो सकता है, क्या नंबर होगा वो, इधर जा रहे हैं हम, सबसे पहले तो देखिए वन हो गया, ये टू हो गया, तो टू लिखेंगे ना पूरा। अब देखो ये पॉइंट कितना होगा, ये पॉइंट कितना होगा, इसके लिए हमें देखना है इसके इक्वल कितने पार्ट हो रहे हैं, वन टू थ्री, थ्री इक्वल पार्ट है, मतलब अपॉन में लिखेंगे थ्री, और ये फर्स्ट वाले को ही बता रहा है, इसका मतलब ये हो जाएगा टू इज टू वन बाय थ्री, बात समझ में आ गई बच्चों आपको कि नहीं आई, है ना, ऐसे ही करते हैं। सबसे पहले P की पोजीशन हमें देखना है, तो देखो बच्चों यहाँ यहाँ ज़ीरो, यहाँ वन, यहाँ टू, तो सबसे पहले टू तो कंप्लीट नंबर हमें रिप्रेजेंट किया जा रहा है टू, फिर P जो है बच्चों वो वन अपॉन थ्री है, कैसे हमने देखा कि यहाँ पर इक्वल थ्री पार्ट है, और हमें सबसे पहले गिवन भी है कि टी आर आर एस एस यू ए पी पी क्यू क्यू बी सब आपस में इक्वल हैं, ठीक है बच्चों। देखो तो अब P के बाद अगर बात की जाए बच्चों Q की बात अगर की जाएगी, तो वापस वही लिखोगे, टू तो सेम है, ये टू तो है ही सही, अपॉन में थ्री लिखना है, अपॉन में थ्री क्योंकि इक्वल थ्री पार्ट है, और Q जो है बच्चों वो टू के इक्वल होगा, टू टू इज टू टू बाय थ्री, ठीक है, ये P हो गया, ये Q हो गया। अब बात करते हैं बच्चों R की बात की जाएगी, तो देखेंगे यहाँ पर क्या होगा, ये ज़ीरो है, यहाँ माइनस वन तक तो हम चले ही गए हैं ऑलरेडी, माइनस वन तक ऑलरेडी चले गए। अब देखते हैं बच्चों कि अगर R की बात की जाएगी तो ये वन, ये टू और ये थ्री है ना, इसमें भी इक्वल थ्री पार्ट हो रहे हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे थ्री, ये सबसे पहला है तो वन अपॉन थ्री हो जाएगा, माइनस वन इज टू वन बाय थ्री। और अगर S की बात करोगे बच्चों, S की बात करोगे तो यहाँ पर माइनस वन तो ऑलरेडी है, इक्वल पार्ट भी थ्री है, लेकिन ये जो ऐसे बच्चों ये किसको, ये वन ये टू को रिप्रेजेंट कर रहा है,
तो माइनस वन इज टू टू बाय थ्री जो होगा इसका आंसर होगा। ठीक है, इस तरीके से P, Q, R और S ये जो हैं चारों पॉइंट्स है ना, इन इन नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस नंबर लाइन के ऊपर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है बच्चों, ये थे हमारे एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन 1 to 5। ठीक है, उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम बच्चों नेक्स्ट जो 5 क्वेश्चंस हैं वो कवर करेंगे। बने रहिए कल्याणी जूनियर्स के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलें। थैंक यू वंस अगेन। जय हिंद, वंदे मातरम।